मुझे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मेरा पक्ष ये है कि आज के बाद वो लड़की मेरे घर पे नहीं आएगी और उसके साथ कोई बात नहीं करेगा। ना तो हम भीख मांगेंगे, ना भीख में मिला खाना खाएंगे। विधवा है तू विधवा, हम सब की तरह, और तुझे ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ेगा अगर इस आश्रम में रहना है तो। जो मैं कहूंगी उसे करना पड़ेगा तुझे। मेहमानों का आना ठीक नहीं है, कहते हैं कि वो पितृदोष ला सकते हैं। Excuse me, Mr. निरंजन चतुर्वेदी का घर ये है ना? आफत की पुड़िया यहाँ। अगर बता देती तो सरप्राइज का उपसी डुपसी हो जाता। और आपको पता है कि मुझे सरप्राइज देना कितना अच्छा। एंग्री ओल्ड वुमन यहाँ? अम्मा जी मेरी, अम्मा जी ये बरखा है। बरखा, ये अम्मा जी। वो दिल्ली वाले मामा जी की बेटी, बताया था ना मैंने आपको, मेरी कजन। वेरी नाइस टू मीट यू। एक्चुअली पहले के लिए सॉरी, हाँ थोड़ा उपसी डुपसी हो गया, आई एम रियली सॉरी। हाँ आप मेरा बैग अंदर रख देंगी प्लीज? थैंक यू। आने वाली है क्या दीदी? मुझे कुछ खाने को दो प्लीज, आई एम रियली हंग्री। आपको पता है घर ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। कम ऑन, वेयर इज द किचन? वेयर किधर है? हाँ आ जाओ। महाराज जी एक प्लेट खाना और लगाइए। अम्मा जी बहुत भारी है, लगता है बहुत दिनों के लिए आई है। ले जा ले जा। ये शालिग्राम जी अब तक रहेगी है बला मेरे सर पे। चले? हाँ। वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं कौन सा हार मानने वाली हूँ। गंगा, अरे गंगा छोड़ ना सुधा, रहने दे उसे, हम डरपोक नहीं है। सीख के लेके जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, चल रहे हैं तुम्हारे साथ। पापा कहते थे जिंदगी जीने के लिए हिम्मत ना हो तो चलेगा, लेकिन इज्जत के साथ जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हमारे पास वो हिम्मत है सुधा बुआ, डरते नहीं है हम। हाँ चल ना, बड़ी हिम्मत है ना तुझ में, हम सब तो कायर हैं, एक दो ही तो है, मेहनत करने से नहीं घबराती है, जब देखो तब स्वाभिमानी होने का ढिंढोरा पीटती रहती है। चल साथ में, चल के देख असली मेहनत असली हिम्मत किसे कहते हैं। चल दीक्षा के जिस अन्न को देखकर तू मुंह बनाती है ना, उसे पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। खड़े खड़े मुखिया देख रही है, चल हिम्मत की देवी। गंगा, इस घर के मालिक बड़े दयालु हैं, किसी भी विधवा को बिना भिक्षा दिए खाली हाथ वापस नहीं जाने देते।
यहाँ कोई तमाशा मत करना तू, और खबरदार चुम्मू से कोई भी गलत बात निकाली तो, समझे? प्रणाम प्रणाम। जब तक झोली नहीं फैलाओगी, अन्न और फल कैसे मिलेगा तुम्हें? हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, तो झोली क्या फैला है तुम्हारे सामने? जो कहा जा रहा वो करना, क्यों पकड़ पकड़ कर रही है? चल। कहा ना भीख नहीं चाहिए हमें। तो फिर मेरे द्वार पे आई क्यों हो तुम? विधाता ने सुहाग छीन लिया इसका, लेकिन अकड़ देखो इस विधवा की। मैं तुम लोगों पर दया करता हूँ, और तुम्हारे साथ आई ये लड़की देखो कैसे आंखें दिखा रही है मुझे। कल से कोई नहीं आएगा यहाँ, चले जाओ यहाँ से। क्षमा कर दीजिए, क्षमा। जाओ। तमाशा मत करना, कहा था कि नहीं? तो फिर जवाब देना जरूरी था, मुंह बंद नहीं रख सकती थी तू? करवा दिया ना ये दरवाजा बंद हम सबके लिए। तो जरूरत क्या है यहाँ आके भीख मांगने की? कुछ काम करते हैं ना हम लोग, जो पैसे मिलेंगे उसे जाल चावल लेके खा लेंगे ना। भीख मांगना बहुत बुरी बात होती है, जिनको काम नहीं पसंद ना वो मांगते हैं भीख। गंगा तू पागल है क्या? अरे हमें कॉल कर, बस तुझे काम करके पैसे कमा के अपना पेट पालना है ना। चल आज हम काम करेंगे, ठीक है? चल आजा, आजा। अरे दी, दी, लिसन अप। बरखा तू यहाँ बाहर अंदर। दी, ऑसम हलवा, आई एम टेलिंग यू, इट्स टू गुड। वैसे वैसे दी, एक फायदा तो होगा मुझे जरूर यहाँ आने का, हर दूसरे दिन आपके हाथ का हलवा खा सकती हूँ। लेकिन बरखा सुन तू, वैसे तो मैं दिल्ली से कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, लेकिन जब BHU में इंटर्नशिप मिली तो लेना पड़ा। आई एम टेलिंग यू दी, एक बार मैं डॉक्टर बन गई ना तो सबका ट्रीटमेंट फ्री में। बरखा यहाँ मत बैठो, चलो अंदर चलते हैं, आज अंदर आ जाओ। हाँ वैसे मेडिकल की पढ़ाई तो खत्म हो गई है, डिग्री का वेट कर रही हूँ। यम्मी, ओह माय गॉड, टू डाई फॉर। बरखा यहाँ बैठ के खाना अच्छा नहीं लगता, तो चल अंदर ना। अरे आंटी जी, आइए आइए, हलवा खाएंगे? एक्चुअली You need some sweet. आपके लिए अच्छा है। बहु, बहन को समझा दे इस घर के तौर तरीके, कैसे खाना है, कहाँ बैठ के खाना है। अरे आंटी आप ऐसे क्यों? तेरी दीदी की सास हूँ मैं, उस नाते से अम्मा जी। No, अम्मा जी sounds too old, you know? पर अगर आपको आंटी जी पसंद नहीं है तो I can call you आम, आम बुला सकते हैं। Ams, Am sounds so cool, right, दी? आज तो ये मैडम जी को जबरदस्त चाट पड़ेगी अम्मा जी से, बेचारी बहू जी भी लपेटे में आ जाएंगी। मैं क्या कह रही थी एम्स, क्या फर्क पड़ता है कि खाना कैसे कहाँ खाए? I mean, how does it make a difference? फर्क पड़ता है, मेरे घर में फर्क पड़ता है। इस घर के तौर तरीके हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। तौर तरीके? Come on, एम्स, I mean, रूल्स तो बने हैं, you know, ताकि हम उन्हें ब्रेक कर सके। अब रूल से अगर चिपक के रहेंगे तो लाइफ में क्या मजा है? Just chill out, एम्स, loosen up, relax. आज तक मम्मा जी के साथ इस तरह कंधे पर हाथ रख के तो किसी ने बात की नहीं। यमी, एक्चुअली मुझे और हलवा खाना है, मैं खुद ही ले आती हूँ।
महाराज जी जल्दी से जाइए रसोई में, झूठे हाथ से पूरा सब रसोई ब्रश कर देगी। सुनिए रुकिए, तू यहाँ क्या कर, जा। अम्मा जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ बरखा की तरफ से, वो ऐसी जगह पे कभी रही नहीं ना, इस माहौल में नहीं रही है, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। मैं उसे सब सिखा दूंगी, वो सीख जाएगी ये सब, सारे तौर तरीके सीख जाएगी। बहू मुझसे माफी मांगते तेरी सारी उम्र बीत जाएगी, समय खराब ना करके बेहतर ये होगा कि उस लड़की को सिखा दे मेरे घर के तौर तरीके, और ये भी सिखा दे कि मेरे घर में नियम पालन करने के लिए बनाए गए, तोड़ने के लिए नहीं, और ये सबको पालन करना है सबको। इस लड़की के लक्षण तो बड़े खराब है, पानी पिला मुझे। जी बताओ, बड़ी मुश्किल से एक लड़की को यहां से दफा दफा किया तो दूसरी टपक पड़ी। शालिग्राम जी बचाओ मुझे देवियों के करतूतों से। पगला गई हो का? मुझे अपने घर में मनहूसियत नहीं फैलानी तुम लोगों को काम पर रखकर, और विधवा होकर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो काम मांगने चली आई? नसीब की मारी हम विधवाएं कहाँ जाएंगे बहन? बहन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहन कहने की? क्षमा कर दो, नहीं कहूंगी नहीं कहूंगी, जो जो कहोगी तुम मैं वही कहूंगी। हाँ पर दया करके कुछ काम दे दो, मन लगा के काम करूंगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है हमारी बहन। क्षमा क्षमा सिधानी जी, अब ऐसा नसीब तो नहीं लिखा कर आई हो ना जो राज करोगी। जाओ भीख मांगकर पेट भर लो अपना, कुछ भी कर लो, लेकिन अपने घर के आंगन में तुम जैसी औरतों की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। भीख मांगना बुरी बात है ना? फिर हमें सुधा बहू को काहे बोला कि ताकि भीख मांगो? वो काम मांगने आई है ना, तो उनको काम काहे नहीं देती? वो इतने प्यार से बात कर रही है और तुम चिल्ला रही हो? छी 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 छी, छोड़ मेरी साड़ी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पकड़ने की? छोड़ छोड़ मुझे। अरे कोई है रामो, कहां मर गए सबके सब? छोड़ना छोड़ सब, छोड़। एक विधवा के स्पर्श से सब कुछ अशुद्ध हो गया, शुद्धि करानी पड़ेगी। छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ छोड़। अरे बहने हो गए हो, चलिए आओ। जी मालकिन। कहाँ मर गए थे सबके सब? आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा मालकिन। पता है मुझे इस विधवा ने मेरी साड़ी जो पकड़ ली है, खुद के तो भाग फूटे हुए हैं, इसीलिए दूसरे की तकदीर से जलन होती है। क्यों? अरे ये तो तेरे ही पिछले जन्मों के कर्मों की सजा है जो इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल भाग यहाँ से, हट सामने से। इतनी चली कटी सुनने के बाद कलेजे को ठंडक मिली या और सुनना बाकी है? हाँ वारे समझती क्या आपने आपको, हम विधवा अपनी मर्जी से बने हैं क्या? हम लोग भी तो इंसान है ना। जा चुप, हमें चुप काहे करा रही हो तुम? इतनी जोर जोर से काहे चिल्ला रही थी वो? उसकी साड़ी तो पकड़ी थी, चोरी थोड़ी की थी हमने। अरे लड़की यही बात तो इतने दिनों से समझा समझा के थक गई हूँ मैं तुझे कि हम विधवाओं को कोई इंसान नहीं मानता इस समाज में, जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, लेकिन तू तो जान पर आंखें गड़ाए चलती रहती है। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे, कब कब मानेगी तू अपने जीवन की इस सच्चाई को। भाई साहब कुछ काम मिलेगा क्या? थोड़े पैसे आ जाते तो एक वक्त का खाना। कैसा काम? ए छोटे इधर आ, निकाल निकल बाहर। हेल्प, काम मांगने आ गई। हेल्प, धक्का क्या दे रहे हो? काम मांग रहे हैं, भीख नहीं। अरे कितनी मुंह चलाते रे, हां चल।
आपके घर में कुछ काम हो साहब तो दे दीजिए हमें, हम अच्छे से करेंगे। चल रिया जी, कुछ छोटा मोटा काम मिल जाता तो। झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेंगे हम। हाँ कल से श्राद्ध पक्ष लग रहा है हाँ, और हर साल की तरह ये साल भी रीत रिवाज के अनुसार होगा। गंगा भी ये पूजा करेगी क्या? वो भी तो विधवा है। सागर, अरे कहाँ जा रहा है? खेलना नहीं है क्या? पता नहीं वो स्कूल गई होगी या नहीं, सुधा बुआ बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे अरे सागर किधर जा रहे तू? अरे किधर गया ये? मुझे नहीं मालूम। सागर बेटा तुम यहाँ गंगा से मिलने आए हो ना? नहीं नहीं वो ना हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरी बॉल यहाँ आके गिर गई थी, इसलिए मैं ये लेने आया था। और वैसे भी गंगा तो अभी स्कूल में होगी है ना? नहीं बेटा, सुधा उसे अपने साथ बाहर ले गई है भिक्षा मांगने। क्या गंगा भीख मांगने गई है? नहीं सुधा बुआ, हम भीख नहीं मांगेंगे। इतनी देर से देख रही है कि सबके आगे ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी तो मना कर रही है। तुझे बताया ना, आज जितना ज्यादा हो सके उतना दान इकट्ठा करना है हमें। दान नहीं भीख। हे भगवान, ये लड़की ना। ठीक है तू मत चल, यहीं बैठ। चलो दीदी। हाँ इधर आ तू, चल बैठ यहाँ पे, बैठ जा। अपनी अकड़ के साथ यहीं बैठी रह। खबरदार जो हिली तो, और खबरदार तो फिर कोई बखेड़ा खड़ा किया तो। वैसे तेरे कारण आज बहुत निराधार सह चुके हैं हम सब, और नहीं हाँ बस। चलो बहनों। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बेचारी सुधा बुआ और इन लोगों को कैसे विनती करनी पड़ती है हाथ छोड़ के। बिल्कुल सही कहा था सुधा बुआ ने कि हमें कोई काम ही नहीं देगा, पर काहे? जैसे मेरी दीदी काम करती है वैसे हम लोग भी तो कर सकते हैं ना।
कल से कुछ नहीं खाया ना तुमने, ऐसे कैसे पेट भरेगा? अपने बच्चों को कमजोर थोड़ी ना होने दूंगी मैं। क्या हम भी तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया। लो, तुम्हारे बैग में डाल दो। जब टिफिन ब्रेक होगा ना तो जरूर खा लेना। गंगा, अपना ख्याल रखना। अरे झोली तो आगे करो, दान चाहिए ना। अरे ले लो, इतना सारा दान कोई नहीं देने वाला।